आज का हमारा शीर्षक है जपा टॉक का, चैंटिंग विथ रिस्पेक्ट एंड वेनरेशन, किस प्रकार भगवान का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाए। चैंटिंग विथ रिस्पेक्ट एंड वेनरेशन। तो चैतन्य चरिता अमृत आदि लीला दूसरे अध्याय के 11वें प्यार के परपट में शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि जो भगवान जो हैं वो क्या है, ब्रज के राजा हैं, और वो भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीलाओं में कोई भेद नहीं करते हैं। जो भगवान के नाम, भगवान का जो नाम है परम परम है, जो भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीलाओं में भेद करता है, ये मानता है कि ये अलग अलग है, तो ऐसे व्यक्ति जो है, इसे समझा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, है ना, एब्सोल्यूट नॉलेज उसके उसमें कमी है, उसमें जो है समझ की कमी है। जो शुद्ध भक्त होता है वो जब भगवान का नाम लेता है ना, तो उसको पता होता है कि नाम जो है वो नामी से अभिन्न है ना, तो उसे ये पूरा श्रद्धा होता है, विश्वास होता है कि जैसे ही वो भगवान का नाम लेता है भगवान वहां उपस्थित होते हैं, इसलिए वो पूरे सम्मान के साथ जप करता है ना। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं, इससे हम ये सीख सकते हैं कि जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं तो पहले हमको क्या, कृष्ण को स्वागत करना है अपने जीव से और फिर अपने हृदय के अंदर बुलाना है। पहले कृष्ण को जो है रिसीव करना है अपने जीव पे, उसके बाद अपने हृदय में, और उसके हिसाब से हमको आचरण करना है ना। तो ये जो है प्रैक्टिकल एटीट्यूड, एक मैं टिप बता रहा हूँ कि हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, है ना। अगर हम किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो उसके साथ कैसा आचरण करेंगे, हम समझ सकते हैं। जिस व्यक्ति का हम किसी जीवन, अपने जीवन में जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, यदि वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हम उसका उसके साथ कैसा आचरण करेंगे, तो वैसे ही आचरण हमको, वैसा ही एटीट्यूड जो है चैंटिंग में रखना चाहिए। क्योंकि भगवान तो ऐसे, भगवान तो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सबसे ज्यादा सुंदर हैं, सबसे ज्यादा अमीर हैं, सबसे ज्यादा धनी हैं, ऐश्वर्यवान हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। इस संसार में अगर कोई सुंदर होता है तो उसे हम आकर्षित होते हैं, धनी होता है उसे आकर्षित होते हैं, लेकिन भगवान एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनमें ये सारे गुण एक साथ हैं, वो भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो सोचिए जब ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाएगा जो सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा वैरागी है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान है, तो हम कैसे उसके साथ आचरण करेंगे, है ना। तो वैसा ही आचरण चैंटिंग के समय वैसा भाव रखना चाहिए। इसलिए हम जप माला को कभी भी जमीन पे नहीं रखते या टॉयलेट में नहीं लेके जाते, जप माला का सम्मान करते हैं, क्योंकि जप माला जो है हमारा कनेक्शन है कृष्ण के साथ। स्पेशली दीक्षा मिलने के बाद जो आध्यात्मिक गुरु से जप माला मिलती है वो कृष्ण के साथ हमारा कनेक्शन होता है, तो इस चीज का हम ध्यान रखें और इस भाव के साथ हम जप करने का प्रयास करें। श्री हरि नाम प्रभु की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।